हाय एवरीवन, आई एम तौकीर अहमद। आज हम लोग करेन इलेक्ट्रिसिटी का चौथा पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इससे पहले हम लोग रेसिस्टेंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ रहे थे, आज हम लोग पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का समूहन। हम लोग डिस्कशन किए थे कि रेसिस्टेंस जो है, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करेंट प्रवाहित की जाती है तो कंडक्टर्स में उपस्थित एटम्स, मॉलिक्यूल्स कंडक्टर्स में रुकावट डालती है, और इसी रुकावट को ही रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम लोग ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस किसे कहते हैं। तो कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध का समूहन या संयोजन कहा जाता है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि रेसिस्टेंस का कम्बिनेशन क्यों किया जाता है, उससे क्या लॉस है या क्या बेनिफिट है। तो रेसिस्टेंस का कम्बिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि रेसिस्टेंस का मान को घटाया जा सके या रेसिस्टेंस का मान को बढ़ाया जा सके। तो कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस यानी रेसिस्टेंस का जो समूहन होता है वो दो प्रकार का होता है। तो पहला जो टाइप है वो है सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन, हिंदी में इसे श्रेणी कर्म समूहन कहा जाता है। श्रेणी कर्म समूहन या संयोजन एक ही बात है। तो कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का जो पहला टाइप है वो है सीरीज कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन का डिफिनेशन है कि रेसिस्टेंस का ऐसा कम्बिनेशन जिसमें प्रत्येक रेसिस्टर में प्रवाहित इलेक्ट्रिक करंट का मान एक समान हो, किंतु उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का मान अलग अलग हो। तो इस डिफिनेशन को मैं आप लोग को याद करा दूंगा, और मैं डायग्राम के बाद एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करूँगा। आइए डायग्राम की ओर। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 है, और ये R3 प्रतिरोध है। ये A और B, A और B के बीच का जो प्रतिरोध है वो R1 है, B और C के बीच का जो प्रतिरोध है वो R2 है, और इस बिंदु को मान लिए D, और C से D के बीच का जो प्रतिरोध है वो R3 है। तो A से B के बीच जो करंट प्रवाहित हो रहा है वो I करंट प्रवाहित हो रहा है, और B और C के बीच जो करंट प्रवाहित हो रहा है वो भी I प्रवाहित हो रही है, और यहाँ भी करंट I प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब ये है कि ए बी, बी सी, सी डी तीनों के बीच जो करंट का मान है वो एक समान है, लेकिन इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, उस विभवांतर का मान क्या है, अलग अलग है। और जब तीनों विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ दिया जाता है तो भी बन जाता है। इस तरह से इन तीनों रेसिस्टर को एक सेल से जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि तीनों रेसिस्टेंस में करंट का मान एक समान है, किंतु उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग है। और रेसिस्टेंस के इस प्रकार के कम्बिनेशन को कौन सा कम्बिनेशन कहा जाता है, सीरीज कम्बिनेशन कहा जाता है। अगर आपको परिभाषा पूछता है कि सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस प्रतिरोध का श्रेणीक्रम समूहन किसे कहते हैं या उसका परिभाषा दे या क्या है, तो आपको एक लाइन में डिफिनेशन देखना है कि रेसिस्टेंस का ऐसा कम्बिनेशन, रेसिस्टेंस का ऐसा कम्बिनेशन जिसमें प्रत्येक रेजिस्टर में प्रवाहित इलेक्ट्रिक करंट का मान एक समान हो, किंतु उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का मान अलग अलग हो, उसे सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है।
तो ये हो गया उसका डायग्राम और जस्ट मैंने अभी डिफिनेशन दिया। अब हम लोग इसका रेसिस्टेंस का मान निकालेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रॉम डिफिनेशन परिभाषा से। तो परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का मान एक समान है और पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या है, अलग अलग है। तो जब तीनों पोटेंशियल को हम लोग जोड़ेंगे तो भी बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। समीकरण से क्या मान लिए, एक मान लिए फ्रॉम ओम्स लॉ। तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं R बराबर V बटे I, इसलिए V बराबर तो R इंटू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार अब हम लोग भी के जगह V1 लेंगे। तो जैसे ही V1 लेंगे तो R के जगह जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा और करंट का मान क्या है, सेम है। उसी प्रकार अब भी के जगह हम लोग V2 लेंगे। तो जैसे ही V2 लेंगे तो V2 के लिए R की जगह क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा और करंट का मान I होगा। उसी प्रकार जब भी की जगह V3 लेंगे तो R की जगह क्या हो जाएगा, R3 इंटू I। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि V1 का मान R1 इंटू I, V2 का मान R2 इंटू I और V3 का मान R3 इंटू I। अब हम लोग V1, V2, V3 सबका मान समीकरण एक में पुटअप करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण एक से। तो समीकरण एक से हम लोग देख रहे हैं कि भी और भी का वैल्यू क्या है, R इंटू आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R इंटू आई बराबर उसके बाद है V1। तो V1 का वैल्यू क्या है, R1 इंटू आई प्लस इस तरह से V2 का वैल्यू क्या है, R2 इंटू आई प्लस इस तरह से V3 का वैल्यू क्या है, R3 इंटू आई। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं R इंटू आई और यहाँ पर I, तो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I और I क्या हुआ, कैंसिल, इसीलिए R बराबर तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से अगर रेसिस्टेंस अगर आपका सीरीज कम्बिनेशन में हो तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध यानी टोटल प्रतिरोध का मान होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। यहाँ पर हम लोग R के नीचे S लगा सकते हैं, S4 सीरीज कम्बिनेशन का रेसिस्टेंस, यानी RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर एक बात और समझना है स्टूडेंट्स कि सर अगर आपने तीन प्रतिरोध लिया इसलिए यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 तक जोड़ दिया, अगर हम चार ले तो, अगर R4 ले तो प्लस क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। अगर हम बोले कि पांच प्रतिरोध ले तो प्लस R4 प्लस R5 हो जाएगा, यानी आप जितना रेसिस्टेंस लेंगे उतना ही प्लस होते होते आगे होते हुए वो जाएंगे। तो इस तरह से ये था सीरीज कम्बिनेशन का डिफिनेशन, डायग्राम और उसका फॉर्मूला जो बिल्कुल आपके सामने है स्टेप बाय स्टेप। आइए एक बार फिर से रिव्यू करते हैं हम लोग। सीरीज कम्बिनेशन यानी रेसिस्टेंस का ऐसा कम्बिनेशन जिसमें प्रत्येक रेसिस्टर से प्रवाहित करंट का मान एक समान हो किंतु उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का मान अलग अलग हो, इस प्रकार के कम्बिनेशन को सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है। आपके सामने डायग्राम है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं करंट का मान तो एक है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या है, अलग अलग है। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसी संख्या 1 मान लिए। अब ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं R बराबर V बटे I, इसलिए V बराबर R इंटू आई। अब V1 जैसे भी कमान है, अब V1 रखे तो R1 हो जाएगा, V2 के लिए R2 हो जाएगा और V3 के लिए R3 हो जाएगा, लेकिन तीनों के लिए करंट का मान सेम हो जाएगा क्योंकि डिफिनेशन ही है, कंसेप्ट ही है, ठीक है। इस तरह से समीकरण एक में जैसे ही मान पुटअप करते हैं तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ S इसीलिए लगाए क्योंकि कौन सा कम्बिनेशन है, सीरीज कम्बिनेशन है। तो स्टूडेंट्स सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से रिलेटेड एक ट्रिपल स्टार है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बार बार ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं।
उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ पर ट्रिपल स्टार कह रहा है कि अगर सीरीज कम्बिनेशन में प्रत्येक रेसिस्टर का मान एक समान हो, यानी आपने देख रहा देख आपने अभी जस्ट देखा कि यहाँ पर R1, R2, R3 था, तो वहाँ पर अब हम लोग यानी R1, R2, R3 प्रत्येक का मान अलग अलग था, लेकिन अभी हम सबका मान एक समान ले रहे हैं, इन सबका जितना भी रेसिस्टेंस है सबका वैल्यू एक समान है। तो ऐसा कंडीशन में जो है आर एस बराबर, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो सबका जो मान वैल्यू क्या है आर है, तो आर प्लस डॉट 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 प्लस, यानी आप जितना जोड़ सकते हैं दो चार पाँच छः सात, तो मैंने यहाँ पर एन रेसिस्टर जोड़ा, यहाँ पर हम लोग कहेंगे एन टर्म्स। तो आर जैसे कॉमन लेंगे तो वन प्लस डॉट 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 प्लस एन टर्म्स हो जाएगा, और एन टर्म्स के लिए एन ही होता है, इस तरह से एन इंटू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, आर एस बराबर। इस तरह से एक नया फार्मूला का इजाद होता है सीरीज कम्बिनेशन में, आर एस बराबर एन इंटू आर। तो एन हो गया नंबर ऑफ रेसिस्टर, यानी आप कुल कितने प्रतिरोध जोड़ के रखे हैं सीरीज कम्बिनेशन में, और प्रत्येक रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो उसका वैल्यू आर हो गया। तो एन और आर का मान पुटअप करने पर हम आर एस का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कह रहा है, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ से पर, कि सीरीज कम्बिनेशन में आठ रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, यानी एन का वैल्यू आठ है, और प्रत्येक का जो रेसिस्टेंस है वो पाँच ओम है, तो उसका तुल्य रेसिस्टेंस कितना होगा, यानी टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं आर एस बराबर एन इंटू आर, तो एन का वैल्यू एट है और आर का वैल्यू क्या है फाइव, तो आठ आठ पंचे कितना हो जाएगा चालीस ओम, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव्स और जो क्वेश्चन है अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको नोट कर ले, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे थे अभी, अब तक हम लोग सीरीज कम्बिनेशन पढ़ रहे थे जो पहला टाइप है, और सीरीज कम्बिनेशन से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो टोटल प्रतिरोध का मान हमेशा बढ़ता है। याद रखें इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कि जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है वो हमेशा अधिक होता है, यानी सभी का योगफल होता है। अब दूसरा टाइप है हमारे सामने, पैरेलल कम्बिनेशन, हिंदी में कहा जाता है समांतर कर्म समूहन, इसका एक और नाम है पार्श्व समूहन भी कहा जाता है, पार्श्व कर्म समूहन भी कहा जाता है। तो फर्स्ट था सीरीज कम्बिनेशन और दूसरा है हमारे सामने पैरेलल कम्बिनेशन। तो पैरेलल कम्बिनेशन जो है सीरीज कम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा है, उसमें हम लोग देख रहे थे कि करेंट का मान एक समान था और पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या होता है अलग अलग होता है, लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन में करेंट का मान अलग अलग होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का मान एक समान होता है। तो आइए डायग्राम के पहले डायग्राम देखते हैं, तब हम लोग डिफिनेशन पर आएंगे। ये R1 रेसिस्टेंस है इस सर्किट में और करंट का मान जो है इसमें I1, इसमें करंट का मान I2 है, इसमें R2 रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है और इसमें करंट का मान I3 है जिसमें R3 रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और करंट I जो है बिंदु A पर आकर तीन भागों में बढ़ जाता है, R1 में I1 प्रवाहित होता है, R2 में I2 प्रवाहित होता है और R3 में I3 प्रवाहित हो रही है, और ये तीनों करंट फिर आके यहाँ पर आई हो जाती है, और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है, और इसे एक सेल से जोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि
तीन अलग अलग वायर है जिसमें तीन रेसिस्टेंट जुड़े हुए हैं और तीनों में करंट का मान अलग अलग है, लेकिन उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिल्कुल एक समान है। तो शायद आप डायग्राम देखकर ही परिभाषा का अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। तो आइए पहले लिख लीजिए इस डिफिनेशन को, तब हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए डिफिनेशन, रेसिस्टेंस का ऐसा कम्बिनेशन जिसमें प्रत्येक रेसिस्टर से प्रवाहित इलेक्ट्रिक करेंट का मान अलग अलग हो किंतु उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एक समान हो, इस प्रकार के कम्बिनेशन को पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है। जी डिफिनेशन हो गया है, तो डायग्राम बना लीजिए। अब आई इसका एक्सप्लेनेशन को वर्तन को, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे फ्रॉम डिफिनेशन परिभाषा। तो डिफिनेशन से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का मान तो एक समान है लेकिन करंट का मान क्या है, अलग अलग है। तो करंट आई जो है यहाँ पर आके कितने भागों में बढ़ता है, तीन भागों में बढ़ जाता है, फिर पॉइंट बी पर जाके मिलकर आई बन जाता है। तो आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस क्या हो जाएगा, आई थ्री। संज्ञा से क्या मान लिए, फर्स्ट फ्रॉम ओम्स लॉ। तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं आर बराबर भी बटे आई, आर बराबर भी बटे आई। अब हमको आई का वैल्यू चाहिए, तो आई बराबर भी और आर इधर आके क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, यानी आई बराबर भी बटे आर हो जाएगा। तो सिमिलरली इसी प्रकार अब जो हम आई की जगह आई वन लेंगे, तो देख रहे हैं आई वन के लिए जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, आर वन, लेकिन तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या है, एक समान है। तो भी की जगह भी ही होगा लेकिन आर की जगह आर वन हो जाएगा। इसी प्रकार आई टू, तो भी की जगह भी ही होगा क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक समान है लेकिन करेंट का मान क्या है, अलग अलग है। तो आई टू बराबर भी बटे, तो आई टू के लिए क्या है, आर टू। इसी प्रकार आई थ्री, तो आई थ्री बराबर फी बटे क्या हो जाएगा, आर थ्री। अब हम लोग आई आई वन आई टू और आई थ्री सबका मान समीकरण एक में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन समीकरण एक से, तो आइए एक देखते हैं आई, आई का वैल्यू क्या है, भी बटे आर बराबर आई वन, आई वन का वैल्यू क्या है, भी बटे आर वन प्लस आई टू का वैल्यू क्या है, भी बटे आर टू प्लस आई थ्री का वैल्यू क्या है, भी बटे आर थ्री। इसलिए यहाँ पर वन बटे आर कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या बचा, सॉरी फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी कॉमन लिए तो वन बटे क्या बचा, आर। यहाँ पर भी कॉमन ले लिए तो वन बटे आर वन प्लस वन बटे आर टू प्लस वन बटे आर थ्री। तो भी क्या हुआ, कैंसिल, इसलिए 1 बटे आर बराबर 1 बटे आर वन प्लस 1 बटे आर टू प्लस 1 बटे आर थ्री। इस तरह से ये है पैरेलल कम्बिनेशन का व्यंजक यानी फॉर्मूला आपके सामने है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, वो जो है आपको योग बतलाता है, सम बतलाता है, कौन सीरीज कम्बिनेशन, लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन इनवर्स बतलाता है यानी उल्टा बतलाता है। अगर यहाँ पर हम पी लगा दें तो इससे ये पता चलता है कि पैरेलल कम्बिनेशन में रेसिस्टेंस, ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स सीरीज कम्बिनेशन की तरह पैरेलल कम्बिनेशन भी एक ट्रिपल स्टार है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग जस्ट अभी फिलहाल देख रहे थे कि रेसिस्टेंस का मान अलग अलग था, प्रत्येक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस का मान अलग अलग था, लेकिन इस बार हम लोग क्या किए, प्रत्येक रेसिस्टेंस जितने भी रेसिस्टर जुड़े हुए हैं प्रत्येक का मान एक समान ले लिया, सबको आर मान लिए, और मान लिए कि इसमें जो है टोटल, यहाँ तो हम तीन दिखा रहे हैं लेकिन हो सके तीन से ज़्यादा हो सके, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, दस भी हो सकता है, बीस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिपल स्टार में देख रहे हैं
कि अगर प्रत्येक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस एक समान यानी R हो और N रेसिस्टर जुड़ा हुआ हो तो कौन सा कम्बिनेशन में, पैरेलल कम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये जो है पैरेलल कम्बिनेशन के लिए है। तो ऐसा सिचुएशन में 1/R बराबर 1/ यहाँ पर P लगा देते हैं 1/R1, तो R1 का वैल्यू क्या है, R है, प्लस 1/R2 का वैल्यू क्या है, R है, प्लस डॉट 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 चला जाएगा 1/ ये हो जाएगा। तो n टर्म्स क्या मान लिए हम, n टर्म्स यानी n रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, तो 1/RP बराबर 1/R कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 प्लस और डॉट 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 प्लस n टर्म्स बचा, तो 1/RP बराबर 1/R और इसका मान क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, जिसे हम लोग n/R लिख सकते हैं। इसीलिए RP बराबर R ऊपर चला जाएगा और n कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, RP बराबर R/N हो जाएगा। तो आइए से रिलेटेड एक नंबर क्वेश्चन लोग देख लेते हैं। मान लिए कि पैरेलल कम्बिनेशन में जो है 10 रेसिस्टर जुड़ा हुआ है और प्रत्येक रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो 2 ओम है, तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा RP बराबर R/N, तो R का वैल्यू क्या है 2 और N का वैल्यू क्या है 10, तो बराबर 0.2 क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। इस तरह से, इस तरह क्वेश्चंस ट्रिपल स्टार अक्सर ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको नोट कर ले, हाँ, और इस एग्जाम्पल को भी नोट कर ले, ठीक है। तो पैरेलल कम्बिनेशन से निष्कर्ष ये निकलता है कि जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो उसका जो टोटल रेसिस्टेंस होता है उसका मान हमेशा घटता है, यानी जोड़ा हुआ यानी पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ा हुआ रेसिस्टेंस का जो सबसे कम जिसका वैल्यू होता है उससे भी इसका कम वैल्यू हो जाता है, क्योंकि इनवर्स होता है और इनवर्स में मान हमेशा कम हो जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट डाल चुके हैं। मैं बस आपसे यही ये करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।